Assalamu alaikum. Hope you are well. Today we are going to do chapter number 4 of the business studies, so which is the types of business activity. So let's begin. The contents are sold in this video. We are going to study the sole trader, partnerships, private limited companies, public limited companies, joint ventures, franchising, and the public corporation. First of all, this is all we have to study. So let's begin. Sole trader. Sole trader is a business owned by one person. Sole trader has single ownership, no sharing of profit and loss, one man capital, unlimited liability, less legal formalities, and one man control. So let's begin towards the advantages and disadvantages of sole trader. First of all, let's come towards the advantages. Easy to start up, easy to wind up, quick decision and promote action, flexibility in operation, direct maintenance of the business. Whereas the disadvantages are limited capital, unlimited liability, lack of continuity, limited size, lack of managerial experience. Partnership. Partnership is a form of business in which two or more people agree to jointly own a business. A partnership agreement is the written and the legal agreement. कि यह पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है ना, उनमें दो पार्टनर्स के दरमियान में एग्रीमेंट होता है अगर, लेकिन ये असेंशियल नहीं होता, बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि बाहर में पार्टनर्स मुकर ना जाएं। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इज ए एक्स्ट्रा सेट ऑफ हैंड्स होते हैं, एडिशनल नॉलेज, दोनों के नॉलेज, दोनों के स्किल्स, लेस पेपर वर्क होता है, फ्यूअर टैक्स फॉर्म्स होती हैं, और ये थोड़ा सा कैपिटल भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि दोनों हैं। वेयर एज द डिसएडवांटेजेस आर, अगर एक बंदा जो है वो एक सीरियस नहीं है काम के अंदर, तो वो भी प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट भी एफिशिएंसी भी होती है बिजनेस की, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। और उसके बाद अगर स्टॉक मार्केट डिसएडवांटेज इंडिविजुअल टैक्सेशन है, लैक ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द बिजनेस, उनके क्या पता वो कुछ डिसीजंस पे एग्री ना करें दोनों, दिस इज यू हैव टू लुक। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इट इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस विच मीन्स कंपनीज हैव सेपरेट लीगल स्टेटस फ्रॉम देयर ओनर्स, दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। अब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके अंदर होते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, ईजी टू ट्रांसफरेबल स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। एडवांटेजेस, सेल, दे कैन सेल द शेयर्स प्राइवेटली, ओनरशिप कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, एक्सपेंडेड, शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, विच मीन्स के वो शेयर होल्डर जो हैं उनके पैसे जितने उन्होंने लगाए हैं बस उनको, अगर वो बिजनेस लॉस करते हैं वही अपनी लॉस करेंगे, वो जो उन्होंने जितनी उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की है वही उनकी डूब जाएगी अगर बिजनेस फेल हो जाता है जिसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया। वेयर एज द डिसएडवांटेजेस, कैन नॉट शेयर द सेल्स टू पब्लिक, लिमिटेशंस ऑन कैपिटल डिस्क्लोज इन दीज ऑल। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट इज़ ओन बाय द गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लोकल कम्युनिटी, इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स, द कस्टमर्स, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। पब्लिक के एडवांटेजेस ये हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लीगल सेपरेट आइडेंटिटी है, लार्ज कैन नो नो ऑब्जेक्शन ऑन बाइंग, सेलिंग एंड ट्रांसफरिंग शेयर्स, कैन सेल द शेयर इन पब्लिक, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर शेयर होल्डर्स, ग्रेटर सिटीज ऑफ द बिजनेस। डिसएडवांटेजेस आर लीगल रिक्वायरमेंट, एट कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग, शेयर होल्डर्स इन टाइटल फॉर्म इन्फॉर्मेशन। सबसे बड़ा इसका रिस्क होता है मैनेजमेंट इश्यूज का। Now joint venture, when two or more business agree to start a new profit together, sharing their risk and their profit. Advantages and disadvantages are same as the partnership. Franchising, a franchise is a business based upon the user brand names, logos, promotional and trading method of an existing successful business. The franchise buys a license to operate the business. Advantages and disadvantages, let's look upon the advantages for the franchiser. Basically, the advantages for the franchisers are, franchises is a proven product or service within an established market, trade mein business aasan ho jata hai, sab kuch us tak business finance sakte hai. Okay, so public corporation operating public sector, ye hota hai jo pehle private thi unko government ne private public kar diya, government ne unko own kar liya hai, unko khareed liya hai private sector se, wo hoti hai public corporation. This is the main difference between public corporation and public sector organizations. Same advantages. Okay, thank you so much for watching it and hope this is understandable. And at the end, I would like to say, subscribe to my channel and like it and click on the bell icon. Thank you so much.